आज डेजर्ट में हम जिस क्षेत्र में आए हैं उस जगह की कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास में सन 1588 में जाना पड़ेगा। सन 1588 में यहाँ पड़ोस के ये गांव का व्यक्ति गिद्दा, वो यहाँ इस गांव में पानी के अभाव में अपने रेवड़ को पानी पिलाने के लिए लेकर आता है और गांव वाले इस पानी पिलाने पर एतराज़ करते हैं और उसे चेतावनी देते हैं कि आप यहाँ पानी पिलाने के लिए मत लाएं। फिर भी वह दोबारा ऐसा करता है तो गांव वाले उस पर आक्रमण करते हैं। तभी एक और करैक्टर, जिसकी आप ये फोटो देख रहे हैं, ये मूर्ति देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उससे संबंधित है। ये एक कुत्ते की मूर्ति है जो यहाँ स्थापित की गई है और इसे आस्था के तौर पर पूजा जाता है। जब ग्रामीणों ने गिद्दाराम पर आक्रमण किया या उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की तो सबसे पहले ये कुत्ता, जो कि उसका वफादार था, उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और ग्रामीणों ने इस कुत्ते को मार दिया और यह समय पर अपने मालिक की जान नहीं बचा सका, लेकिन इसने अपने प्राण अपने मालिक के लिए दे दिए। इसलिए यहाँ कई सालों से इस कुत्ते की पूजा की जाती है, इसको आस्था के तौर पर किया देखा जाता है। और यह इलाका, क्योंकि पानी का अभाव है हर तरफ, पानी यहाँ बेशकीमती चीज़ है और यहाँ का जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और पशुपालन में सबसे ज़्यादा रेवड़ और भेड़ बकरियाँ, क्योंकि भेड़ बकरियों की संख्या ज़्यादा रहती है तो उनको पानी की मात्रा भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये घटना यहाँ पर घटित हुई है।